मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप सारे घर पे वेल एंड गुड होगे और जो भी आपको स्टडी करवाई जा रही है आप उसको अच्छे से पढ़ते होगे। आपका ही बेनिफिट है बेटा अगर आप इनको आप अच्छे से स्टडी करते हो, ताकि जब आप स्कूल में आओगे, स्कूल खोलेंगे, तो आपको इसको करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपका रिवाइज अच्छे से हो जाए। अगर आपके जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह हैं कंडक्ट होते हैं, आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सके। अगर आप आज घर पे आपके पास टाइम होता है इतना, तो आप घर पे अच्छे से पढ़ रहे हो, तो ही आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे और सीख पाओगे। नेक्स्ट बेटा, आज हम यहाँ पे कर रहे हैं क्लास 9th का जो चैप्टर 4th है, बेसिक राइटिंग स्किल्स। हमने पहले 3 चैप्टर्स कवर कर लिए थे, तो इसमें क्या है बेटा, ये थोड़ा सा चैप्टर आपको लगेगा भी ये लेंथी है चैप्टर, बट इसमें बहुत सा डाटा इस तरह का है जो आपने इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है, आपने इंग्लिश की ग्रामर की हुई है, तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा ये डाटा। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले इन्होंने कहा है बेसिक राइटिंग स्किल में राइटिंग क्या होता है। कहते हैं राइटिंग इज़ अ स्किल नॉट अ टैलेंट, एंड दिस डिफरेंस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज अ स्किल कैन बी इम्प्रूव्ड बाई प्रैक्टिस। कहते राइटिंग एक क्या है, एक स्किल है, ये टैलेंट नहीं है, और स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो वही चीज़ पढ़ेंगे हम, राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करेंगे, राइटिंग कैसी होनी चाहिए। राइटिंग स्किल्स कहते बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल कम्युनिकेशन में। दे हेल्प अस टू कम्युनिकेट अवर मैसेज ईजिली विद क्लैरिटी टू एन ऑडियंस। हमारी जो राइटिंग स्टाइल है या राइटिंग स्किल्स है, उससे हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं ऑडियंस के साथ। राइटिंग मेक्स इट पॉसिबल टू शेयर अवर कम्युनिकेशन नॉट ओनली अवर कंटेम्प्रेरीज बट ऑल्सो विद द फ्यूचर जनरेशन। कंटेम्प्रेरीज को क्या कौन होते हैं बेटा, जो अपनी ई एज के होते हैं, हमारे जो कलीग्स होते हैं उनको कह देते हैं। कहते हैं सिर्फ उनके लिए ही बेनिफिट नहीं देती कम्युनिकेशन करने में, फ्यूचर जनरेशन से भी बात करनी हो तो हमें राइटिंग हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहते जो क्या होता है, एक सर्वे ने शो किया था भी जो 30% ऑलमोस्ट 30% ऑफ आवर वर्क इज़ कम्प्लीटेड थ्रू द रिटन कम्युनिकेशन। जो हमारे वर्क का 30% है वो हमारी रिटन कम्युनिकेशन से ही डन हो जाता है। राइटिंग इज़ वन ऑफ द वे ऑफ शेयरिंग अवर थाट्स एंड कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ एंड व्यूज़ टू अदर्स। राइटिंग एक क्या वे है जिसके थ्रू हम अपने थाट्स को, आइडियाज़ को, व्यूज़ को शेयर करते हैं दूसरों के साथ। कम्युनिकेशन का मतलब भी यही था और राइटिंग का मतलब भी यही है। सम पीपल हैव द इनेट टैलेंट टू पुट देयर थाट्स इन टू वर्ड। कहते कई पीपल्स के पास ना इस तरह का टैलेंट होता है भी वो जो थाट्स हैं उनके, उनको पेपर पर लिख देते हैं। तो वो एक राइटर जो होते हैं वो इसी तरह से होते हैं, जो उनके थाट्स हैं वो राइटिंग में लिखते हैं और वो अपनी राइटिंग को सब तक पहुंचाते हैं। द स्किल ऑफ राइटिंग इज़ मोर बेनिफिशियल टू इंट्रोवर्ट्स एंड इमोशनल पीपल। कहते जो पर्सन्स पब्लिक में स्पीक अच्छे से नहीं कर पाते हैं या इमोशनल पर्सन होते हैं, उनके लिए राइटिंग बहुत ही अच्छी स्किल है। वो अपनी इमोशंस को पेपर पे राइट करते हैं थ्रू राइटिंग। दिस टूल्स अलाउज देम टू एक्सप्रेस देयर एग्जिस्टिंग मेंटल कंडीशन। तो वो इससे क्या होते हैं, इस टूल से अपनी जो मेंटल कंडीशन है वो सारी अपने पेपर पे लिखते हैं और दूसरों को समझाते हैं। तो ये थोड़ा सा आप बेटा इसकी एग्जांपल्स वगैरह हैं, इसको डिटेल में आप इसको पढ़ लेना। देन बेटा यहाँ पे आता है आपके पास, आपके सपोज़ यहाँ पे देखो दिया हुआ है, अमेजन यू आर रिसीविंग एन ईमेल विद द बैडली रिटन। कहते हैं आपने एक ईमेल रिसीव की है, वो अच्छे से नहीं लिखी गई है। देयर आर स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स, इनकम्प्लीट सेंटेंस एंड पैराग्राफ। तो बेटा ये कन्फ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए उस ईमेल को समझना। तो कहते यू रीड द ईमेल थ्राइस बट इवन यू कैन नॉट इंटरप्रेट द प्रॉपरली। आपने 3 बार उसको पढ़ लिया पर फिर भी आप नहीं समझ पाए भी सेंडर आपको क्या भेजना चाहता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर आपको कम्युनिकेशन क्लियर करनी है तो आपकी जो ग्रामर की यूजेज है, पंचुएशन, स्पेलिंग्स, वो इफेक्टिव होने चाहिए, इफेक्टिव राइटिंग के लिए क्लियर होने चाहिए। द रीडर फॉर्म्स अ ओपिनियन अबाउट द राइटर बेस्ड ऑन बोथ द कंटेंट एंड द प्रेजेंटेशन। जो रीडर होता है वो ओपिनियन कैसे बनाता है, जिस पर्सन ने उसको लिखा है उसके बारे में ओपिनियन उसकी राइटिंग से ही बनता है, भी उस पर्सन को लिखना आता है या नहीं आता, वो पॉजिटिव पर्सन है या नेगेटिव पर्सन है, जिस तरह से भी है। नेक्स्ट क्या है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, इस चीज़ को राइटिंग स्किल्स को अंडरस्टूड करने के लिए, हमें आइडियाज़ को शेयर करने के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी इंग्लिश के लिए। फ्रेजेस, क्लॉजेज एंड सेंटेंस, ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं, 3 मेन स्ट्रक्चर हैं, कॉमन पार्ट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। इंग्लिश ही इसके बीच में कवर होगी, जो कि आपने ग्रामर में किया हुआ है वो सारा कुछ ही है। तो कहते हैं इससे क्या है, आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहते हैं इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं, अच्छे से पढ़ना है इनको, इनके बीच में डिफरेंस देखना क्या होता है ग्रामर में, जो इंग्लिश की हम ग्रामर पढ़ते हैं। What is the difference between sentence, clause or phrase? तो सबसे पहले हमारे पास आता है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच बट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं
जो सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच होता है, जिसमें ना कि सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड डज नॉट एक्सप्रेस अ कम्प्लीट थाट और आइडिया। इसमें जो आइडिया होता है वो कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं होता, ये बहुत ही शॉर्ट होते हैं या क्वाइट लॉन्ग होते हैं। तो जैसे कि एट द डोर विद द काइंड फेस आफ्टर डिनर वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप, तो ये सारे क्या हैं, फ्रेजेज हैं। कहते फ्रेजेस कैन नॉट बी यूज्ड अलोन, अकेले यूज़ नहीं होते, बट वी कैन यूज़ देम एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसको एज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं किसी सेंटेंस में इसको ऐड करके। क्लॉजेस क्या होती हैं बेटा? क्लॉजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, पर इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं था, इसमें होता है। अ क्लॉज कैन समटाइम्स एक्ट एज अ सेंटेंस, जैसे जो क्लॉज होती है जो सेंटेंस की तरह एक्ट करती है उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, और एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज जिसके साथ मिलके सब्जेक्ट वाली जो क्लॉज है वो लगती है। जैसे पहले एग्जांपल पढ़ते हैं आपको समझ में आएगी। सोनिया लेफ्ट द रूम व्हेन हर मदर कॉल्ड हर, तो इसमें क्या है, सोनिया लेफ्ट द रूम, ये क्या है, मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इसका अपना भी मीनिंग निकल रहा है, पर जब उसको साथ में दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगी, दूसरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, सबॉर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज, एक दूसरे से डिपेंड करते हैं। क्योंकि सबॉर्डिनेट के लिए उसको अगर अलग से लिखोगे उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, दोनों को इकट्ठा लिखोगे तो ही मतलब बनेगा, पर जो मेन क्लॉज होती है उसको आप अकेला भी लिख सकते हो क्योंकि उसके अकेले का भी मीनिंग बनता है। ये और एग्जांपल्स दी गई हैं इसकी। देन आता है बेटा हमारे पास द सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, ये भी ग्रुप होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं। प्लांट्स नीड सॉइल वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो, ये क्या है, एक पूरा सेंटेंस है जिसमें वर्ड्स का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। पर देखो एक एग्जांपल साथ में, जंप्ड इनटू द सी, ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स तो है बट इसमें क्या है, पूरा जो कंप्लीट मीनिंग है जो वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा जो भी रीडर है या लिसनर है, तो इसीलिए आपको सेंटेंस ध्यान से लिखना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, यदि प्रॉपर सेंटेंस टू गिव अ प्रॉपर कंप्लीट मीनिंग, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद, सेंटेंस हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से, और एंड किससे होता है, फुल स्टॉप से या फिर क्वेश्चन मार्क से या फिर एक्सक्लेमेटरी साइन से होता है, वो डिपेंड करता है आप किस तरह का काम कर रहे हो। जैसे देखो शी इज़ डूइंग हर वर्क, फुल स्टॉप लग गया। अगर क्वेश्चन पूछना है व्हाट आर यू डूइंग, तो क्वेश्चन मार्क लग गया। अगर एक्सक्लेमेशन साइन लगेगा, व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, अगर आपने कोई इस तरह से कोई फीलिंग एक्सप्रेशन को आपने बताया। तो सेंटेंस भी के टाइप्स देखते हैं बेटा, एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन में डेक्लरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, एंड देन स्ट्रक्चर में आता है आपके पास सिंपल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डेक्लरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं बेटा, जिसमें से पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, प्लान्ड स्टेटमेंट होती है, फुल स्टॉप के साथ एंड होती है। इंटरोगेटिव जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हो और क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है। इंपेरेटिव जिसमें आप कोई कमांड और रिक्वेस्ट या एडवाइस और ऑर्डर दिया जाता है वो होता है इंपेरेटिव। जैसे शट द डोर, आपने कमांड दी है किसी को एडवाइस दी है, तो वो क्या बन जाती है, इंपेरेटिव। एक्सक्लेमेटरी साइन जिसमें आपके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस को शो करते हो, चाहे वो एंगर की फीलिंग हो, जॉय की फीलिंग हो, एक्साइटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, सॉरो, कोई भी फीलिंग हो। जैसे इट्स अ फैंटेस्टिक, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, ये हमारी फीलिंग्स हैं जिसको इस तरह के साइन से ख़त्म किया जाता है, ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। अब स्ट्रक्चर में सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, सिंपल में क्या होता है, ओनली वन क्लॉज यूज होती है, मेन क्लॉज। मेन क्लॉज मैंने बोला था जो अलग से इंडिपेंडेंट होती है, अलग से यूज होती है, ही एट एन एप्पल, ये क्या है, मेन क्लॉज, सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड जिसमें टू मेन क्लॉजेज लगती हैं और उसके साथ कंजक्शन के साथ जुड़ती हैं, कंजक्शंस कौन सी होती है, जो दो सेंटेंस को जोड़ती हैं, एंड, फॉर, नॉट, बट, एटसेट्रा। आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट रिप्लाई, दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला कौन है, बट, ये क्या होती है, कंजक्शन। तो ये क्या बन गया आपके पास, कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कहती वन मेन क्लॉज होती है, एटलीस्ट वन सबॉर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें मेन क्लॉज के साथ कौन सी क्लॉज आ जाती है, सबॉर्डिनेट और डिपेंडेंट, और वो जुड़ती किसके साथ है, ऑल दो, बिकॉज, सिंस, एटसेट्रा। इसकी एग्जाम्पल पढ़ लेना बेटा आप। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में क्या होता है, इसमें एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाती हैं और वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज जैसी मेन क्लॉज होती है वो एटलीस्ट टू तो होती हैं, उससे ज़्यादा चाहिए हो कम नहीं होती, और साथ में उसके डिपेंडेंट क्लॉज आती है, मतलब टू टाइम्स कंजक्शन के साथ जुड़ा होता है। सपोज देखो, आई फॉरगेट माई सिस्टर्स बर्थडे सो आई सेंट हर अ कार्ड व्हेन आई फाइनली रिमेंबर। देखो तीन चार सेंटेंस जोड़ दिए, सो के साथ और व्हेन के साथ, तो ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब आगे बेटा सेंटेंस के कुछ पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से ही पढ़ेंगे हम। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, रोहित इज़ वेरी हैप्पी, शी इज़ राइटिंग, तो आगे वाले बोल्ड किए हुए हैं, मतलब ये सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है। क्या कर रहे हैं वो, उसका एक्शन है जो, वो क्या होता है, प्रेडिकेट। दे आर प्लेइंग फुटबॉल,
रमन इज राइटिंग अ पोइम, शी इज लाफिंग, तो ये काम हो रहा है, तो ये क्या होता है? प्रेडिकेट. ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है वो हो गया. ही इज ईटिंग एन एप्पल, क्या चीज़ खा रहा है वो? ईटिंग तो इसका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, पर वो खा क्या रहा है बेटा? एप्पल. सिंगिंग अ सॉन्ग, वो क्या गा रहा है? सॉन्ग. ही इज रिपेयरिंग हिज लैपटॉप, वो किसको रिपेयर कर रहा है? लैपटॉप. तो ये क्या होता है? आपके ऑब्जेक्ट. पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तो प्रॉपरली इंग्लिश का ही आपका टॉपिक आ गया, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब सारे बताए गए हैं क्या होते हैं. आपने सारे पहले पढ़े हुए हैं, फिर भी थोड़ा सा इसका ब्रीफ में एक देखते हैं, जिसको आपने पढ़ना खुद ही है बाद में. नाउन्स, नाउन्स जिसको हिंदी में आप संज्ञा कहते हो ना, जिसमें क्या होता है? पर्सन्स के नेम, प्लेसेस और थिंग्स के नेम, एनिमल्स के नेम, आइडियाज़ को यूज़ किया जाता है, जो कि आगे बहुत तरह की होती हैं. एग्जांपल दी गई, बिल गेट्स इज़ अ डायनामिक पर्सनैलिटी, तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया? बिल गेट्स, क्योंकि ये पॉपुलर पर्सन है, एक नेम है किसी का, तो ये क्या हो गया? नाउन. तो उसमें भी आगे आ जाएंगे प्रॉपर नाउन, जब किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का प्रॉपर नाम यूज़ किया गया हो. कॉमन नाउन, जब किसी को कॉमनली नेम से बुलाया गया हो, जैसे ट्री, वाटर, माउंटेन, ये क्या हो गया? कॉमन नाउन, क्योंकि सबके लिए ये नेम कॉमन होता है. कंक्रीट नाउन, जिसमें क्या है? यू विच वी कैन सी, फील और टच, ऐसी चीज़ें जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि ताजमहल, फ्लावर, बियर, हेलीकॉप्टर. एब्स्ट्रैक्ट, जिसको आप टच नहीं कर सकते, आपकी फीलिंग्स होती हैं, लव, हेट, ब्रेवरी, एंगर, एट्सेट्रा. काउंटेबल, जिसको काउंट कर सकते हो, अनकाउंटेबल, जिसको काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर. कलेक्टिव नाउन, जिसमें ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड थिंग्स होती हैं, जैसे कि टीम, टीम एक ग्रुप होता है, क्लास एक ग्रुप होता है, फैमिली ग्रुप होता है, हर्ड ग्रुप होता है, तो कलेक्टिव में ग्रुप्स आ जाएंगे. प्रोनाउन, जो सर्वनाम होता है हिंदी में, जो नाउन की जगह पे यूज़ होता है, उसको कहते हैं प्रोनाउन, जैसे कि ही, शी, दे, इट, वी, मी. एडजेक्टिव, जो नाउन और प्रोनाउन की हमें क्वालिटी बताता है, विशेषता, जिसको विशेषण कहते हो आप हिंदी में, विशेषता, क्वालिटीज़ बताता है हमें, जैसे कि 15 कैंडल्स, कैंडल्स कितनी है? 15. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल, तो वो क्या है? ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव. वर्ब, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, विदाउट अ वर्ब अ सेंटेंस कैन नॉट एग्जिस्ट. कहते हैं वर्ब के बिना तो सेंटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता. अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बींग ऑफ द सब्जेक्ट, जो शो करता है एक एक्शन को, उसको क्या कहा जाता है? वर्ब. जैसे कि यहाँ पे तीन तरह की वर्ब्स बताई गई हैं, डूइंग वर्ब, जो एक्शन हो रहा है, बीइंग वर्ब, जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, हैविंग वर्ब, जो चीज़ आपके पास है. तीनों की एग्जांपल देखते हैं. मोहित इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, कोई काम कर रहा है वो, तो वो एक्शन हो गया डूइंग वर्ब. राघव इज़ इंटेलिजेंट, उसकी एग्जिस्टेंस है ये, वो इंटेलिजेंट है. मंकी हैव लॉन्ग टेल्स, उसके पास है ये चीज़ें, हैविंग वर्ब हो गया. नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास एडवर्ब. एडवर्ब किस लिए यूज़ होता है? एन एडवर्ब गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब. वर्ब और एक्शन के बारे में कोई मोर इन्फॉर्मेशन देना, उसके लिए यूज़ होता है एडवर्ब. ये क्या हमें बताता है? व्हेन, हाउ एंड वेयर समथिंग वाज डन, कब, कहाँ और कैसे ये चीज़ हुई है. तो एडवर्ब भी 2-3 टाइप्स की होते हैं, देखते हैं हम. 4 टाइप्स के दिए गए हैं यहाँ पे. एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर के लिए एक्शन कैसे डन हुआ है, ब्यूटीफुली, केयरफुली, वाइजली. टाइम, कब परफॉर्म हुआ है, टुडे, यस्टरडे, नाउ और लेटर. एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ पे एक्शन परफॉर्म हुआ है, आउटसाइड, अप, देयर, हेयर, अपस्टेयर, एट्सेट्रा. एडवर्ब ऑफ डिग्री, टेल अस द इंटेंसिटी और द डिग्री टू विच स्पेसिफिक थिंग्स हैपन इज डन, मतलब किस लेवल पे ये चीज़ हो गई है आपकी, एक्सट्रीमली, क्वाइट, लिटल, ये एक डिग्री बताता है भी किस लेवल पे आपका ये काम हुआ है. तो ये क्या था बेटा? एडवर्ब. नेक्स्ट आता है आपके पास प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस आपने पढ़ी हुई हैं इंग्लिश में, जो रिलेशन बताती है नाउन प्रोनाउन का अनदर नाउन प्रोनाउन के साथ, जैसे इन, ऑन, इनसाइड, आउटसाइड, ये सारी क्या होती हैं? प्रेपोजिशन. कंजक्शन, जो दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करती हैं, जैसे कि बट, एंड और अनलेस, ये क्या है? कंजक्शंस. इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन, जो हमारी एकदम से फीलिंग और इमोशन आते हैं उसको कहा जाता है इंटरसेक्शन. जैसे कि ओ, आई ब्रोक द ग्लास, दुख हो रहा है उसको, मैंने ग्लास तोड़ दिया, तो ओ अलास, आई एम लॉस्ट, ये दुख वाला हो गया. तो ये सारे क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस. आर्टिकल, आर्टिकल्स भी आपने पढ़े हुए हैं, जिसमें क्या होता है? दैट मॉडिफाई नाउन्स. आर्टिकल्स ए एंड द होते हैं, आपने पढ़े हुए हैं. इसको 2 टाइप्स में डिफाइन किया गया है. ए एंड होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, और द होता है डेफिनेट आर्टिकल. तो ये पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है. फिर आपको पता ही है ए एंड कहाँ पे यूज़ होता है. ए एंड नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जो पर्टिकुलर फेमस नहीं होती हैं और सिंगुलर होती हैं. और एंड कहाँ पे लगता है? यहाँ पे आपको पता है वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यूज़ होते हैं, वो क्या होते हैं? एंड. बाकी इसको आप डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेना.
द किसके लिए होता है? स्पेसिफिक थिंग्स के लिए, जैसे कि बाइबल, स्पेसिफिक है द बाइबल। ताजमहल, स्पेसिफिक है द ताजमहल। सन, स्पेसिफिक है द सन। पर्टिकुलर जो एक ही थिंग होती है ऑलमोस्ट, उसको हम द यूज़ करते हैं। बाकी आप थोड़े से इसके पढ़ लेना, जैसे द गंगा, द ताजमहल, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्पेसिफिक थिंग्स के लिए। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास, ये लास्ट टॉपिक है आपका, पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस बट नॉट रैंडम सेंटेंस। कलेक्शन सेंटेंसेस को कलेक्ट करके जो चीज़ बनती है वो पैराग्राफ होता है, पर वो एक ऑर्डर में नहीं होता। पैराग्राफ लिखने के लिए हमें तीन चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहले होता है टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस जिसमें आप टॉपिक बताओगे, मेरा टॉपिक क्या है लिखने का। फिर होती है थ्री सपोर्टिंग सेंटेंसेस, जो उस टॉपिक को सपोर्ट करते हैं, उसमें एग्जाम्पल, उसमें उसका डाटा सब कुछ आ जाएगा। कंक्लूडिंग में आप उसका कंक्लूड करते हो, एंड करते हो। टॉपिक सेंटेंस मैंने आपको बोल ही दिया, वो होता है हुक सेंटेंस, जिसमें आप अपना आइडिया बताते हो, मैं किस टॉपिक के ऊपर लिख रहा हूँ, मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। सपोर्टिंग सेंटेंस थ्री भी हो सकते हैं, फोर भी हो सकते हैं, जितने मर्जी हो, जिसमें आप क्या बताते हो, डिटेल्स, फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स जिस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हो। कंक्लूडिंग में क्या होता है, आप फिर से उस मेन आइडिया को लिखते हो पैराग्राफ के, पर उसके लिए वर्ड्स कोई और यूज़ करते हो, सेम वर्ड्स नहीं यूज़ करते जो आपने टॉपिक सेंटेंस पे यूज़ किए थे। तो ये होता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। पैराग्राफ लिखने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं। यूनिटी, जो भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो वो टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट हो, फिर सपोर्टिंग सेंटेंस हो, फिर उसके बाद एंड वाला सेंटेंस हो, तो ये यूनिटी बनी होनी चाहिए, उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए कोई भी थिंग। ऑर्डर, वी मीन द वे टू ऑर्गेनाइज अवर सपोर्टिंग सेंटेंस। सपोर्टिंग सेंटेंस देखो 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, उनको ऑर्डर वाइज लगाना ताकि आपकी इंफॉर्मेशन रीडर को अच्छे से समझ में आए। कोहरेंस, जो आपकी राइटिंग है वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सेंटेंसेज आर कनेक्टेड विद ईच अदर। जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हो उसका एक दूसरे के साथ मीनिंग बनना चाहिए, रिलेशन बनना चाहिए। नेक्स्ट, कंप्लीटनेस, जो भी आप आइडिया लिख रहे हो, जो भी पैराग्राफ लिख रहे हो वो कंप्लीट होना चाहिए, सारे उसमें जो फैक्ट्स हैं आपके वो कंप्लीट होने चाहिए, जिस तरह से आपको आइडिया। ये देखो 5 क्विक स्टेप्स हैं जिसको बताया गया। सबसे पहले आप अपने आइडिया को बताओगे, आइडिया को एक्सप्लेन करोगे, एग्जांपल दोगे, फिर एग्जांपल को एक्सप्लेन करोगे, देन लास्ट में आप उसका एंड कर दोगे। इफेक्टिव राइटिंग के लिए कुछ मेन पॉइंट्स भी होते हैं आपको ध्यान में रखने होते हैं। जैसे आपको राइटिंग के लिए जो पैराग्राफ सेंटेंसेज है वो सिंपल हों, प्रिसाइज हों, छोटे हों। कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी, डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ मत करिए, लैंग्वेज भी ईजी यूज़ करिए। पे अटेंशन टू ग्रामर एंड स्पेलिंग, ग्रामर और स्पेलिंग ठीक से होने चाहिए। डू नॉट रिपीट सेंटेंस, सेंटेंसेस को रिपीट मत करिए। पंचुएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, फुल स्टॉप, कॉमा, ये लगाने ज़रूरी हैं। अपोस्ट्रॉफी केयरफुली लगाइए, जैसे इट्स लिखना होता है आप किस तरह से अपोस्ट्रॉफ लगाओगे। डू नॉट यूज़ टू मैनी क्लॉजेज, ज़्यादा क्लॉजेज को यूज़ मत करिए एक सेंटेंस में। देन हम आपके पास प्रोनाउंस को केयरफुली यूज़ करिए, ही, शी, इट, दे कहाँ पे लगेगा, और लिखने के बाद उसको केयरफुली राइट रीड करिए बेटा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर अफेक्टिव राइटिंग इज़ टू रीड एज मच एज पॉसिबल, जितना आप उसको रीड कर सकती हो, क्योंकि जो एक्सटेंसिव रीडर ही ऑलवेज एक्सपेक्टिव अफेक्टिव राइटर बनता है, जो अच्छे से रीड करना जानता है वही आगे अच्छा राइटर बनता है। ये हो गया बेटा आपका टॉपिक कंप्लीट, और इसके बाद टेस्ट योर सेल्फ आएगा, जैसे कि लास्ट चैप्टर्स में हमने किया था। टेस्ट योर सेल्फ में आपको सारा ये जो MCQs हैं और ट्रू फॉल्स हैं फिलअप अपने आप करने हैं, और मैं आपको PDF में शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स हैं जो उसकी PDF दे दूंगी। आप आराम से धीरे धीरे अपनी कॉपी पे लिखना, ऐसा नहीं होता एक ही दिन में आप इसको कंप्लीट करोगे, आपके पास 1 वीक होता है, 1 वीक के बाद वीडियो आती है, तो आप 1 वीक में इसको पूरा कवर कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मेरे से कर सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको करूँगी। आपको लग रहा होगा आज थोड़ा सा चैप्टर लेंथी हो गया, बट ये चैप्टर बहुत ईजी था, इसीलिए मैंने आपको ये चैप्टर इकट्ठा करवाया था। आप जब पढ़ोगे आपको बहुत ही ईजी लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।